हमारे मोबाइल से। अरे ओझा जी का दक्षिणा का ध्यान रखना। 1700 लेना है ना? 1700 रुपया चाहिए ना? 17 चाहिए ना? चेक ले लो। मैं महंत रामेश्वरपुरी अन्नपूर्णा मठ मंदिर सनाथ गली वाराणसी, ये जो 17 वर्षीय व्रत इसका आज उद्यापन हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। देवोदास के समय में जब अकाल पड़ा था, उस समय देवोदास के जो धनंजय थे उनको देवोदास ने आदेश दिया था अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके और इस दुर्भिक्ष को, इस अकाल को मिटाओ। जो धनंजय ने 17 दिवस का जो व्रत किया उसमें माँ ने जब दर्शन दिया तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये 17 दिवसीय व्रत काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र और काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर में मनाया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्ष कहें तो हजारों वर्ष पुरानी है, किंतु कालांतर में ये लुप्त हो गई। पुनः हमारे पूर्वज महंतों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया। इसमें 17 गांठों का धागा धारण करना पड़ता है। एक टाइम व्रती को एक अन्न का आहार लेना पड़ता है, मन क्रम वचन से उसको शुद्ध आचरण करना पड़ता है, तथा 17 दिवस पूर्ण होने पर माँ के समक्ष 17 प्रकार के व्यंजन जिसमें नमक निषेध रहता है अर्पित करके व्रती अपने व्रत को खोल लेता है। ये ऐसी मान्यता है कि इस दिन केवल माँ को धान से श्रृंगार किया जाता है। इस धान के श्रृंगार को उसके उपरांत दूर दराज से लाए हुए किसानों के इस धान का जो श्रृंगार होता है वो प्रसाद के रूप में दूसरे दिन वितरण किया जाता है। मान्यता के अनुसार और परंपरा के अनुसार ये धान खेत में, घर में या भंडार में रखने से वर्ष भर, जीवन भर उसको अन्न की कमी नहीं होती है, क्योंकि कलयुग में प्राण का जो वास है वो अन्न में होता है। इसलिए अन्नपूर्णा मंदिर में आज जो अन्न क्षेत्र चल रहा है वो प्रदेश ही नहीं, देश में अपने आप में एक ऐसा अन्न क्षेत्र है जहाँ की प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोग निःशुल्क भोजन अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये व्रत बड़ा ही कठिन है और जो इस व्रत का पूर्ण 17 वर्ष महाउद्यापन कर लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए आज इस व्रत का 17वां दिन पूर्ण होने पर भव्य श्रृंगार किया गया है और माँ की सुबह मंगला आरती भोग के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए, आम व्रती लोगों के लिए, आम व्रती महिलाओं के लिए कपाट खोल दिए गए जो रात्रि 11 बजे तक चलता रहेगा।